हिमाचल प्रदेश की सुखविंदर सिंह सरकार सत्ता में आते ही एक्शन मोड में है। सरकार ने बीजेपी सरकार के 1 अप्रैल 2022 के बाद लिए गए निर्णयों पर अपना चाबुक चला दिया है, जिसके खिलाफ बीजेपी अब सड़कों पर उतर गई है। भाजपा ने उपायुक्त शिमला के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन भी सौंपा। भाजपा के जिला अध्यक्ष रवि मेहता ने कहा कि प्रदेश की जनता ने कांग्रेस पार्टी को जनमत दिया, बावजूद इसके सरकार जनता के विरोध में कार्य कर रही है। जनता हितेशी कार्य करने के बजाय कांग्रेस सरकार जयराम सरकार द्वारा जनता के हित में लिए गए निर्णयों को डिनोटिफाई कर रही है। मंत्रिमंडल का गठन अभी तक नहीं हो पाया है। कांग्रेस सरकार ने 307 से अधिक कार्यालयों को बंद कर दिया है। विपक्ष में इसे बर्दाश्त करने वाला नहीं है। बीजेपी पूरे प्रदेश में आज धरना प्रदर्शन व ज्ञापन दे रही है। यह एक सांकेतिक धरना है, आने वाले समय में एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया जाएगा। PLTV के लिए शिमला से ब्यूरो रिपोर्ट।